खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। यहाँ फर्रुखाबाद जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का सपा नेता के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अरशद जमाल सिद्दीकी पर मुकदमा एक बार फिर दर्ज है। फर्रुखाबाद के मोहम्मद उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया है। सभा करने तथा चुनाव में दर्ज कराया गया है मुकदमा। बताया जा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चाचा हरीश यादव जी भी हैं जो चेयरमैन है मोहम्मदाबाद के, और भी हमारे पार्टी के हमारे सीनियर नेता हैं, उर्मिला चाची भी हैं। तो साथियों, जिसे भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी टिकट देंगे, हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि हम लोग उस व्यक्ति का साथ दें और उसे मजबूती से चुनाव जिताकर भेजें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और हमेशा हमने समाजवादी पार्टी का हमने अपना कर्तव्य निभाया है। हम लोग हमेशा 20 साल से देखिए चुनाव आचार संहिता भी लग गई है, और हम लोगों को कोविड नियमों को पालन करते हुए चुनाव में लगना है। और देखिए केसेस भी दिन पर दिन पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, और कोविड नियमों का पालन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपना बचाव आप खुद करें। क्योंकि अपना बचाव हम लोगों को इसलिए करना है क्योंकि पिछली विगत 2 वर्षों से हम लोग उससे झेल रहे हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है कि आप ये समझें कि कोरोना नहीं है। कोरोना है, और हमें आप लोगों को बचाव करना है और कोविड नियमों का पालन भी करना है। साथियों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे चाचा हरीश यादव जी भी हैं जो चेयरमैन है मोहम्मदाबाद के, और भी हमारे पार्टी के हमारे सीनियर नेता हैं, उर्मिला चाची भी हैं। तो साथियों, जिसे भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी टिकट देंगे, हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि हम लोग उस व्यक्ति का साथ दें और उसे मजबूती से चुनाव जिताकर भेजें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और हमेशा हमने समाजवादी पार्टी का हमने अपना कर्तव्य निभाया है। हम लोग हमेशा 20 साल से